नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे व चौथे पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ का तीसरा पद्यांश है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, अहो मुनीसु महाभट मानी। मृदु अर्थात मधुर वाणी वाणी, और महाभट का अर्थ है महायोद्धा। कि जब परशुराम जी अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं तो लक्ष्मण जी मधुर वाणी में कहते हैं, हे मुनिवर, आप स्वयं को महायोद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, कुठारू का अर्थ है कुल्हाड़ी, तथा मुझे बार बार अपनी कुठार या कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, ऐसा लगता है जैसे आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। पहाड़ू का अर्थ है पहाड़ू का अर्थ है पहाड़। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, कि यहाँ पर कुंभड़ बतिया कोई नहीं है। कुंभड़ बतिया का अर्थ है काशी फल का छोटा सा फल, अर्थात कोई निर्बल या कमज़ोर। कि यहाँ पर कुंभड़ बतिया कोई भी नहीं है, अर्थात कमज़ोर कोई नहीं है। जे त्रजनी देखी मरी जाही, त्रजनी का अर्थ है अंगूठे के बाद वाली पहली फिंगर, जिसे हम पॉइंट फिंगर भी कहते हैं। कि जो त्रजनी को के दिखाने मात्र से ही मुरझा जाता है, अर्थात जो कुंभड़ बतिया काशी फल का फल का छोटा फल तर्जनी के देखने से ही मुरझा जाता है, उसके समान कमज़ोर यहाँ पर कोई भी नहीं है। देखू कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कि आपकी कुठार तथा धनुष बाण धारण किए हुए वीर वेश को देखकर ही मैंने अभिमान से कुछ कहा है। सरासन का अर्थ है धनुष बाण, धनुष बाण धारण किए हुए वीर वेश को देखकर ही मैंने अभिमान से कुछ कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहों रिस लोक रोकी। कि आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगुपुत्र परशुराम जानकर ही मैं अपने क्रोध को रोककर आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ, आपकी बातों को सहन कर रहा हूँ। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमरे कुल इन पर न सुनाई, कि हमारे कुल में यह मर्यादा नहीं है कि हम सुर अर्थात देवताओं, महीसुर ब्राह्मणों, हरिभक्तों और गायों पर प्रहार नहीं करते, क्योंकि यह हमारे वंश की मर्यादा नहीं है, हम उन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। बंधे पापू अपकीर्ति हारी, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है तथा उनसे हारने पर अपयश ही मिलता है। मारत हूँ पा परिये तुम्हारे, यदि आप हमें मारेंगे तो भी आपके पैरों में गिरना ही उचित है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपके वचन अर्थात आपकी बातें ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं, तो आपको धनुष बाण और कुठार धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बिलोकी अनुचित कहेऊँ चमहूँ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश बनी बोले गिरा गंभीर। इसलिए धनुष बाण और कुठार धारण किए हुए वीर वेश को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सब बातें सुनकर अर्थात लक्ष्मण की यह बातें सुनकर भृगुवंश के मणि
परशुराम जी क्रोधित करते हुए गंभीर स्वर में बोले, कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटिल कालबस निज कुल घालकु। गंभीर स्वर परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह कुटिल कुटिलु अर्थात कुटिल कुटिल कठोर या टेढ़ा, काल बस काल के वश, निज मतलब अपने, और घालकू का अर्थ है नाश करने वाला, रमंद का अर्थ है मूर्ख। कि हे विश्वामित्र सुनो, यह कुटिल कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है, अर्थात यह मूर्ख बालक कुटिल कालवश अपने कुल का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु वंश का अर्थ है सूर्यवंश, कि यह सूर्यवंश पर पूर्ण चंद्र का, सूर्यवंश में होते हुए भी चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है, पूर्ण चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुश निरंकुशु अबूधु असंकु, यह निपट का अर्थ है निरा, निरा उद्यंड मूर्ख तथा निर्भीक है। काल कवलु होई ही क्षण माही, काल कवलु का अर्थ है काल का ग्रास बनने वाला, अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बनने वाला है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, खोरी का अर्थ है दोष देना, कि मैं पुकार कर कह देता हूँ फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। कि परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम इसे मेरे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताकर रोक लो। परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी फिर से कहते हैं, लखन के हेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अच्छत को बरने पारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनीश्वर हे मुनिवर, आपके यश को आपसे अच्छा या आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर सकता है, अर्थात आपके यश के बारे में आपसे अधिक कौन हमें बता सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भाती बहु बरनी। आप अपने मुँह से बार बार अनेक प्रकार से अपनी कीर्ति का बखान कर रहे हो, अपनी कीर्ति का वर्णन कर रहे हो। नहीं संतोषु तपुनी कुछ कहु, यदि आपको अभी तक संतोष नहीं मिला है तथा आपको अपने बारे में कुछ और बताना है तो आप वह भी बता दीजिए। जनिरिस रोकी दुसह दुख सहु, दुसह का अर्थ है असहनीय दुख तथा सहु का अर्थ है सहन करना। कि आप इसके लिए अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख क्यों सहन कर रहे हैं। वीर व्रति तुम धीर अक्षोभा, वीर व्रति का अर्थ है वीरता का पालन करने वाला तथा अक्षोभा का अर्थ है क्रोध रहित। कि आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान क्षोभ रहित अर्थात क्रोध रहित हैं। गारी देतना पावहु शोभा, इसलिए गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं होते अर्थात अच्छे नहीं लगते। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू, कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि शूरवीर तो युद्ध भूमि में ही अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, वे बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथही प्रताप, रण अर्थात भूमि, रिपु का अर्थ शत्रु, कि युद्ध में शत्रु को सामने देखकर, विद्यमान अर्थात सामने उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की
प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद।